नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आज की हिस्ट्री के फ्यू मिनट सीरीज के लेक्चर में हम देखेंगे गुप्ता पीरियड पीरियड को को इंडिया की गोल्डन एज क्यों कहा जाता है है जबकि इस में में इकोनॉमिक एंड सोशल डिक्लाइन देखने को मिलता आई एम सोन एंड आई टेक योर हिस्ट्री ऑन द क्लासेसॉर्म ऑफ स्लीपी हिस्ट्री के लास्ट टू फ्यू मिनट सीरीज के लेक्चर में हमने देखा द राइज एंड फॉल ऑफ द गुप्ताज एंड द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज जहां पे हमने डिस्कस किया किस तरीके से श्रीगुप्त जो कुशाणस के फ्यूरेट्री हैं गुप्ता डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे जिन्हें हम रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी भी कहते हैं एंड चंद्रगुप्त फर्स्ट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में डिप्लोमेसी एज वेल एज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के वाया गुप्ता टेरिटरी सिग्निफिकेंटली एक्सपांड करती गई और हम देखते हैं बाय द मिड ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी द गुप्ताज कंट्रोलिंग दिस एंटायर एरिया एंड देयर पावर वाज फेल्ट टिल द पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम बट फिर मिड ऑफ द फिफ्थ सेंचुरी में ही नॉर्थ वेस्ट से हुनास का इन्वेशन होता है एंड गुप्ता पावर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है हमने अपने लेक्चर में यह भी देखा था कि गुप्ताज के डिक्लाइन के पीछे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में uh, हुनास के इन्वेशन के अलावा डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स विद द रोमन्स एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स में वीक सक्सेस क्राइसिस ऑफ सक्सेशन the inherent weaknesses in the feudal polity and political administration of the guptas as well as the reckless land grants by the guptas is involved अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके फ्यू मिनट सीरीज की या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक एडिट है आप उस पे क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं सो बाय द मिड ऑफ द 6th सेंचुरी द गुप्तास वर कन्फाइंड टू ईस्टर्न यूपी बिहार ट गुप्ताज एंड देयर कैपिटल वॉज एट पाटलीपुत्र आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस है वाई द गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज डिस्पाइट द इकोनॉमिक एंड सोशल डिक्लाइन द रीजन इज गुप्ता पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुए वो वाकई तारीफ लाइक लायक है और आप यहां पर देखेंगे देवर अनप्रेसिडेंटेड अब अगर इस बेसिस पे हम गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड कह रहे हैं तो हम देखेंगे आज के लेक्चर में आर्किटेक्चर स्कल्पचर लिटरेचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स हुए गुप्ता पीरियड के अंदर जो इसे स्वर्णिम युग या गोल्डन एज बनाते हैं आर्किटेक्चर में हम ब्रीफली रॉक कट आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर की बात करेंगे रॉक कट कर आर्किटेक्चर में हम देखेंगे अजंता केव्स बाघ केव्स जो अपनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है अलॉन्ग विद आर्किटेक्चर इसी के साथ साथ में अजंता केव्स एंड उदयगिरी केव जो न केवल अपने आर्किटेक्चर बल्कि साथ ही साथ में अपने कॉलोजल स्कल्पचर्स के लिए भी बहुत फेमस हैं स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर में हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की जिसकी शुरुआत इस पीरियड में हुई और जो आगे चल के हमें नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल या फिर नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग के रूप में देखने को मिलेगा हम यहाँ पे नालंदा महाविहारा एंड स्तूपाज लाइक धमेक स्तूपा जो है उनको भी ब्रीफली कवर करेंगे स्कल्पचर में हम देखेंगे एक न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग सारनाथ स्कूल हमें देखने को मिलती है अदर देन दी गांधार एंड दथुरा विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुशानाज लिटरेचर में हम देखेंगे संस्कृत लिटरेचर में जो डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड के अंदर सेक्युलर एज वेल एज सेक्रेड यानी रिलीजियस लिटरेचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हम देखेंगे आपके मैथमेटिक्स एलजिब्रा आपकी एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए मेडिसिन की फील्ड में मेटेलर्जी की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए जो इस पीरियड को गोल्डन एज बनाते हैं वी विल स्टार्ट विद आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर एंड उसके अंदर भी रॉक कट केव यहाँ पे हम अजंता का एग्जाम्पल लेंगे सो so, अजंता की केव्स महाराष्ट्र की अजंता हिल्स में रिवर बाघोरा के बैंक्स पर लोकेटेड है तकरीबन थर्टी केव्स हैं, हैं बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं और इनमें से फाइव केव्स चैत्य ग्रह या बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल है एंड रेस्ट ऑफ देम आर विहारास और द दे आप देखेंगे अजंता की केज का डेवलपमेंट दो फेजेस में हुआ फर्स्ट फेज सेकेंड सेंचुरी से लेके फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सातवाहनास के पीरियड में एंड उसके बाद में फिफ्थ टू सिक्स सेंचुरी सी, यानी गुप्ता एज में वाकस के पेट्रोनेज में हम देखते हैं सेकेंड फेज में एज कंपेयर टू दस्ट फेज पिलर्स हैं एंट्रेंस गेटवेज हैं उस पर आपको रिच डेकोरेशन देखने को मिलेगा सो नाउ बिल्डिंग्स वर मोर एलाबोरेट वर रिचली डेकोरेटेड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अजंता के केव्स जो हैं, वो अपनी वॉल पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं और इसमें आपको फ्रेस्को पेंटिंग्स एंड टेम्पेरा टेक्निक की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी साथ ही साथ में अजंता अपनी स्कल्पचर्स के लिए भी काफी फेमस हैं अजंता की पेंटिंग्स नो no डाउट बुद्धिज्म की थीम से एसोसिएटेड है तो लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द प्रीवियस बर्थ बुद्धा, टेल्स को यहां पे शो किया गया है पेंटिंग्स काफी लाइफ लाइक एंड नेचुरल है एंड दे आर मार्क्ड बाय देयर ब्रिलियंस आप यहाँ पे क्या देखेंगे केव नंबर वन में बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग यहां पे एक अप्सरा की पेंटिंग जो है उसे आप देख पा रहे हैं और साथ ही में यहां पर जातक टेल से एसोसिएटेड एक सीन को दिखाया गया है तो दीज पेंटिंग्स हैव सर्वाइव्ड एंड दे आर मार्क्ड बाय द ब्रिलियंस ऑफ देयर कलर्स इवन आफ्टर 14 सेंचुरीज और मोर देन दैट नॉट ओनली दिस अजंता अपने स्कल्पचर्स के लिए भी फेमस है आप यहाँ देख सकते हैं केव नंबर 26 में मारा विजय या फिर बुद्धा का जो निर्वाणा वाला इवेंट है वेन ही कॉन्कर्ड हिज सेंसेस ही कॉन्कर्ड हिज डिजायर्स केव नंबर में ही आपको बुद्ध के महापरिनिर्वाण या फाइनल पासिंग अवे वाला जो इवेंट है वो भी देखने को मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर्स काफी है, काफी हैं एंड डिटेल के साथ में बनाए गए हैं जो गुप्ता पीरियड में स्कल्पचरल डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे सामने यहाँ पे आप मध्य प्रदेश के उदयगिरी केव्स को भी देख सकते हैं सो ये केव्स हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई हैं और आप यहाँ पे देखेंगे केव नंबर फाइव में आपको विष्णु जी का वरहा अवतार जो है वो देखने को मिलेगा जहां पर विष्णु जी अपने वरहा अवतार में मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने टेंपल आर्किटेक्चर को देखा था आप देखेंगे कि नागर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर या नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेंपल बिल्डिंग इसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड के अंदर ही हुई और चंदेला जो बुंदेलखंड में रूल करेंगे राजपूत पीरियड में उनके टाइम पे ये फुल फुल्लेजेड फॉर्म में हमको देखने को मिलती है जैसे कि आपका कंदरिया महादेव मंदिर है विश्वनाथ टेम्पल है उनके अंदर गुप्ता पीरियड में आप देखोगे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में तीन स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें जिसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में सांची का टेम्पल नंबर सेवनटीन है तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फ्लैट रूफ है काफी स्मॉल साइज है और साथ ही साथ में पोर्टिको या जो एंट्रेंस है इसकी हाइट भी काफी कम है तो ये फर्स्ट स्टेज था सेकेंड स्टेज में हम यहां पर देखते हैं कि अब टेम्पल्स एक अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बनाए जाने लगे और साथ ही साथ में सरकम एम्ब्यूलेट्री पाथ या प्रदक्षिणा पाथ जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा फॉर एग्जाम्पल द नचना कुठारा टेम्पल विच इज अ शिवा टेम्पल इन मध्य प्रदेश फ्रॉम दी गुप्ता पीरियड तो आप देख सकते हैं अप्रेज प्लेटफॉर्म पे है एंड सरकम एम्ब्यूलेट्री पाथ है इसके अलावा अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो आप यहां पे देखोगे कि अब यहां पर शिखर या जो टेम्पल टावर है उसकी शुरुआत हो गई है और टेम्पल बिल्डिंग में पंचयाटन स्टाइल जहां पे मेन स्टाइल सेंटर में होती है और सब्सिडरी श्राइन्स फोर कॉर्नर्स पे आपको देखने को मिलती है इसकी भी शुरुआत हमें देखने को मिलती है द एग्जाम्पल इज द दस अवतारा टेम्पल इन झांसीज देवगढ़ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से स्कल्पचर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है और शिखर राइट? Right? इसके अलावा स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर के अंदर नालंदा महाविहारा की हमने बात की थी और हम देखते हैं कि जो कुमार गुप्त हैं वो इसकी फाउंडेशन को रखते हैं 427 ट्वेंटी सेवन ई के अंदर ये न केवल अपनी बुद्धिस्ट स्टडीज बल्कि अदर सब्जेक्ट जैसे कि फाइन आर्ट्स, मेडिसिन मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स ऑफ वॉर के सब्जेक्ट्स के लिए भी काफी फेमस है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी एलाबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है इतनी कैपेसिटी थी कि दस हजार तक के स्टूडेंट्स एंड दो हजार तक के जो प्रोफेसर हैं वो एट अ टाइम यहाँ पर रह सकते थे आप यहाँ पे देखेंगे कि देश विदेश से बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल कोरिया है जापान है चाइना टिब्बत इंडोनेशिया पर्शिया टर्की यहाँ आया करते थे सो नॉट ओनली दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर बट ऑल्सो मेनी मोर सब्जेक्ट्स वर टॉट हेयर इट वॉज हैविंग ह्यूज एलैबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट हैड एन इंटरनेशनल रीच दिस इज अस्को हेरिटेज साइट नाउ एंड इनफैक्ट हुएंग जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आए ही ऑल्सो स्टडीड एंड टॉट हेयर फॉर अराउंड फाइव ईयर्स इन द सेवेंथ सेंचुरी सीई इसके अलावा यहां पर हमने धमेक स्तूपा की भी बात की थी तो स्तूपा में भी फर्दर डेवलपमेंट हो रहे थे गुप्ता पीरियड में विश शोज द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ द गुप्ताज अगर हम स्कल्पचर की बात करें अपने सेकेंड पिलर की तो हमने बात की थी सारनाथ स्कूल की आप देखेंगे सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग यहाँ पे न केवल कलर्ड सैंडस्टोन या जो बफ कलर का सैंडस्टोन है उससे इमेजेस बनाई जा रही हैं बल्कि साथ ही साथ में मेटल जिसमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज इन्वॉल्व है उससे भी इमेजेस बनाई जाएंगी बुद्ध की एंड बाकी गॉड एंड गॉडेसेस की फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं सुल्तानगंज बुद्धा विच इज ओवर टू मीटर इन हाइट एंड ऑल्सो आप देखेंगे नालंदा से हमें कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा मिली है जो तकरीबन 18 फीट हाइट रखती है सो so, इतने कॉलोजल मेटलिक कल्चर जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे विच अगेन शोज द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ताज अगर हम अपने थर्ड पिलर लिटरेचर की बात करें तो आप देखेंगे इस पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज बिकेम क्वाइट प्रोमिनेंट इसलिए मेजोरिटी ऑफ द जो लिटरेचर है वो आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलेगी गुप्ता एज में इनफैक्ट चंद्रगुप्त सेकेंड अपने नवरत्नाज या नाइन ल्यूमिनरीज के लिए फेमस हैं जिसमें से कालिदास एक हुआ करते थे कालिदास की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इन्होंने प्लेज लिखे जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्र विक्रम उर्वश्य एपिक्स में रघुवंश एंड कुमार संभव एंड लिरिकल फॉर्म में रितु समहारा एंड मेघदूत इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं काफी और भी यहाँ पे संस्कृत स्कॉलर्स हुए जैसे विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस संस्कृत ड्रामा लिखा और देवी चंद्र भी लिखा सुद्रक है जिनका मृत कटिकम वर्ल्ड फेमस है भैरवी का किराट अर्जुन्य भी काफी फेमस है जो महाभारत का एक एपिसोड रिप्रेजेंट करता है दंडीन जो पल्लवास के कोट पोएट हुआ करते थे उनके द्वारा काव्य दर काव्य आदर्श एंड दास कुमार चारित जो है उसको लिखा गया दस कुमार चारित जो है उसको लिखा गया सुबंधु जो है उन्होंने बस वादत लिखी विष्णु शर्मा जो है उन्होंने पंचतंत्र लिखा अमर सिम्हा जो है उन्होंने संस्कृत की एक ग्रामर अमर कोश जो है उसको लिखा कालिदास के साथ साथ में अमर सिम्हा भी वन ऑफ दी नाइन ल्यूमिनरीज थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में आप देखोगे कि जो पुरानाज हैं उन्हें फाइनली इसी टाइम पर अपने प्रेजेंट फॉर्म में कंपाइल किया गया एंड फाइनली हम एटीन पुराण जो हैं उन्हें देखते हैं महाभारत एंड रामायण का जो फाइनल फॉर्म है वो भी इसी पीरियड के अंदर लिखा गया अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे गुप्ता पीरियड में आर्यदेव एंड आर्य असंगा ये दो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं जो अपनी राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं इनफैक्ट फर्स्ट रेगुलर बुद्धिस्ट वर्क ऑन लॉजिक वासुबंधु जो है उनके द्वारा लिखा गया एंड ही वॉज पेट्रोनाइज बाय समुद्रगुप्त वासु बंधु के ही एक डिसाइपल थे दीग नागा जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं जैन लिटरेचर में अगर हम देखें तो आप देखेंगे इस टाइम पर संस्कृत में विमल जो है उन्होंने रामायण का जैन वर्जन लिखा साथ ही साथ में आप यहां पे देखेंगे सिद्ध सेन दिवाकर जो हैं उन्होंने लॉजिक पर जैनिज्म से रिलेटेड एक बुक लिखी इस पीरियड में अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी बात करें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे आप देखेंगे द इन्वेंशन ऑफ द थियरी ऑफ जीरो एंड द कॉन्सिक्वेंट इवोल्यूशन ऑफ द डेसिमल सिस्टम इज क्रेडिटेड टू द थिंकर्स ऑफ दिस एज सो फिफ्थ सेंचुरी में हमें गुप्तास के पीरियड से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो हमें बताता है इंडियंस वर अवेयर ऑफ द डेसिमल सिस्टम आर्यभट्ट द फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर इसी पीरियड में हुए इन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम की एक किताब लिखी जो हमें सोलर एक्लिप्स के ट्रू कॉज के बारे में बताती है इनफैक्ट इन्होंने अर्थ के साइज को कैलकुलेट किया जो रफली मॉडर्न एस्टिमेशन के आसपास थी इसी के साथ साथ में ही द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू क्लेम दैट अर्थ रोटेट्स इन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस ऑल्सो इन्होंने आर्य भट्टियम लिखी इट इज अ बुक ऑन एरेटिक्स ज्योमेट्री एंड एलजेब्रा दैट इज इट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स वरहा मेर हुए इसी पीरियड के अंदर और हम देखते हैं उन्होंने बृहद संहिता लिखी इट इज एन एनसोप एंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी फिजिकल जोग्राफी बॉटनी एंड नेचुरल हिस्ट्री इसी तरीके से इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी बृहद जातक लिखी विच इज एन इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा ब्रह्मगुप्त हुए सिक्स एंड सेवेंथ सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं इन्होंने कई सारी किताबें लिखी जो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म सपूत सिद्धांत एंड खंडा खंड खाड्य इसी तरीके से हम देखेंगे इस पीरियड में मेडिकल साइंसेस जो है उसमें भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल metallic preparations for the purpose of medicine and references to the use of mercury and iron can be found in the writings of varhamir and this shows us the progress in chemistry similarly navnitikam namki ek kitab aapko dekhne ko milegi it is a medical work and it is a manual of recipes formulation and prescriptions similarly aapko yahan par ek book milegi which is related to veterinary sciences हास्ते आयुर्वेद हास्ते आयुर्वेद जिसके ऑथर हैं पलकप्य और पालकप्य अपनी बुक हास्ते आयुर्वेद में हमें बताते हैं कि वेटरनरी वेटरनरी साइंसेस में भी गुप्ता पीरियड में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो चुके हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम मेटोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा एविडेंस हमारे सामने है आयरन पिलर इन मेहरोली दिल्ली आप देखेंगे फोर्थ सेंचुरी के आसपास इस पिलर को मैन्युफैक्चर कराया गया था लेकिन इट डज नॉट इट इट है इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोशन इट हैज नॉट गैदर्ड एनी रस्ट इन लास्ट फिफ्टीन सेंचुरीज, एंड दिस स्पीक्स अबाउट द टेक्नोलॉजिकल स्किल ऑफ द क्राफ्ट ऑफ द गुप्ताज सो इस तरीके से हम कह सकते हैं गुप्ता पीरियड के अंदर आर्किटेक्चर स्कल्पचर लिटरेचर एंड एंड साइंस टेक्नोलॉजी में जो मेजर डेवलपमेंट हुए वो इसे वाकई गोल्डन एज ऑफ इंडिया बनाते हैं अगर हम आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से देखें तो हम इस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस पीरियड में सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन एंड अनटचेबल्स में एक डिक्लाइन देखने को मिलता है और साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक डिक्लाइन देखने को मिलता है आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा साथ ही साथ में शेयर कीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारा सिंबायोसिस बैच बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है यह आपका जनरल स्टडीज का फाउंडेशन लाइव बैच है जहां पर लिमिटेड सीट्स है हंड्रेड इसमें हम आपको कॉन्टेंट कॉन्टेंट के साथ में करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के के लिए MCQs, के लिए एमसीक्यूज मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी एससी की तैयारी और साथ ही साथ में क्लोज मेंटोरशिप एंड क्लोज इंटरेक्शन विद द फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्लीपी डॉट क्लासेस एट जी मेल डॉट कॉम या हमारे टोल फ्री नंबर पर लिख करके आप हमारी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो भी हमसे उसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच Have a good day ahead.